अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीवन परदेसी आपके लिए खुदा और मोहब्बत का रिव्यू लेके। अभी मैंने देखा और मैंने पिछले दफ़ा इसलिए इस पर नहीं बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ड्रामा बहुत ट्रैक से अलग जा रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा था कुछ देखने का बनाने का। लेकिन अभी जो मैंने देखा उसमें जो मुझे समझ आई है, जिस हिसाब से मैंने इसको समझा है प्ले को, इट्स गोइंग टू बी आई थिंक मुझे अब फिर ये अपना ग्राफ पिक करेगा। बिकॉज जो लिखा है, जो कन्वर्सेशन अगर आपने देखा हो तो जो कन्वर्सेशन उस फकीर की फरहाद के साथ होती है, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसने उसको वो रास्ता दिखाया जो कि वाकई अल्लाह की तरफ है। किसी को बददुआएं दे देना से अल्लाह नहीं मिलता, मज़ारों पे जाके बैठ जाने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह मिलता है अल्लाह को ढूंढने से। और अल्लाह को ढूंढता तब जाता है जब आपका दिल साफ हो, जब आपका दिल अल्लाह की लगन पे लग जाए, तो फिर आपको रास्ता अल्लाह खुद ही दिखा देता है अपनी तरफ आने का। और मेरे ख्याल में फरहाद का जो सफ़र, जो ओरिजिनल खुदा और मोहब्बत में जो सफ़र है उसका, क्या कहते हैं उसको, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक, वो इसका अब शुरू होगा। अभी जो ये जाके मज़ार पे बैठा हुआ था, दैट वॉज नॉट द रियल थिंग, अब उसका सही से शुरू होगा, अब वो करेगा। बिकॉज नाउ ही इज रियलाइज, अभी उसका जो एक्सप्रेशन जो उसका, वो एकदम से उसका जो शॉक हुआ, उसको जो एक्सप्रेशन से और उसका जो उसके कि उसने तो बतवा दे, वो तो बतवा दे के जाके बैठ गया, अपने आप को मरावा करके सब कुछ, दुनिया दिन दिन दुनिया कह लो छोड़ के बैठ गया। लेकिन उसको अब एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, या जाहिर है किसी की बददुआ से किसी की जान नहीं जाती, या किसी की बददुआ दे देने से किसी का कुछ नहीं होता, होता वही है जो अल्लाह ने लिखा होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, इसमें तो नहीं लेकिन नॉर्मली ये होता ज़रूर है कि अगर आप किसी का, इंसान का दिल दुखा दें और आप किसी इंसान का को तकलीफ़ देते हैं, तो उसका हिसाब फिर ऊपर से आता है, अल्लाह से आता है ना वो फिर। लेकिन उसमें ये नहीं कि आप बददुआएं दें अगले इंसान को, आप चुप करके बैठ जाएं और हस्बनल्लाह निमल वकील छोड़ दिया अल्लाह के ऊपर, तो फिर अल्लाह की तरफ से ही आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो बददुआ देता है माई को, और वो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हुई है कि माई जो है वो इस बेचार, मतलब माई को इससे प्यार नहीं था, माई को इससे अब प्यार शुरू होगा। और मेरा ख्याल है कि ये माई को, मुझे लगता है कि ये एंड में माई को मार देंगे, बिकॉज अगर ये नहीं मारते तो फिर वो जो मेन कॉन्सेप्ट था इस प्ले का वो ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर इसकी शादी अपने जेठ से हो जाती है तो फिर क्या पीछे रह जाएगा। नहीं, आई थिंक कि इस लड़के का फरहाद जो है, इसका सफ़र अब अल्लाह की तरफ अब शुरू होगा, और आई थिंक माही को एंड में ये लोग मारेंगे। सो लेट्स सी, इसने दोबारा से ग्राफ अपना पकड़ा है, दोबारा से इंटरेस्ट पकड़ा है, मेरा इंटरेस्ट तो पकड़ा है। आपको इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। आई फाउंड दिस एपिसोड रियली रियली इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी ग्राउंड बनी है। आई होप कि अब आगे से ऐसे ही इस ग्राउंड पे एक सॉलिड जो है ना इसका एंड वो करें, जैसे कि एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज इन्होंने वैसे देखा जाए तो ड्रेसेस के लिहाज से माही के दुपट्टे इतने खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत तरीके से इसके सूट्स, बहुत मतलब अच्छी तरीके से शादी वाला इतना अच्छा सीन था। ऑल इन ऑल बहुत एक्सपेंसिव प्ले लग रहा है, सो आई होप कि प्लान भी ऐसे ही अच्छा रहे। टिल देन, चिमन परदेसी, मिलते हैं सुरुख।